नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हिंदू राष्ट्र का जो आजकल बहुत बोलबाला है और हर जगह हिंदू राष्ट्र की गूंज सुनाई देती है, इस पर हम कुछ फोकस करना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं और क्यों नहीं भागना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का हमने एक शब्द तो ले लिया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन वो हमें हिंदू राष्ट्र जो है वो किस तरह से बनाना है ये किसी को नहीं पता। हिंदू राष्ट्र को अगर कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये घोषित कर दे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो क्या वाकई में हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही अपना देश है, हमारा जो सनातन धर्म है वो इस पृथ्वी का सबसे पुराना धर्म है। आज भी कई धर्मों के लोग सनातन धर्म के ताकत को जानते हैं। ये खुद जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ वो उससे हमें ये पता लगा कि हमारा सनातन धर्म जो है वो दुनिया में कितना पावरफुल है, लोग कितना आना चाहते हैं सनातन धर्म की ओर, वो क्यों आना चाहते हैं ये कभी किसी ने सोचा? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो चीज है वो किसी भी धर्म में नहीं है। हमारे सनातन धर्म में संपूर्ण मानव विकास का रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए जो मानव हैं, जो पृथ्वी पर चाहे कोई भी मानव रहे हैं, किसी भी धर्म विशेष से हो, वो सनातन धर्म की ओर दौड़ के आता है। तो ऑलरेडी अगर इसको देखा जाए, समझा जाए, तो ऑलरेडी ही हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत है, वो सनातन राष्ट्र है ही। उसे कोई अगर घोषित भी कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सभी धर्मों के लोग हमारे धर्म को एक अच्छे नज़र से देखते हैं। तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि लोग अगर हमारे धर्म को अच्छी नज़रों से देख रहे हैं तो हमको खुद अच्छी नज़रों से देखें। सनातन जो धर्म है वो एक तरह का बहुत ही पावरफुल है, और जितने भी ये जो राजनीतिक दल हैं इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता। अगर आपका कोई अगर धर्म है और आप राजनीति करना चाहते हैं, एक बात गौर कर लेना, तो आप राजनीति में सफल ही नहीं हो पाएंगे। विश्व का कोई भी नेता, क्योंकि आपको सभी धर्मों को मानना पड़ेगा तभी आप एक सफल राजनेता बन पाएंगे। तो इसका मतलब है कि नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका कोई भी धर्म नहीं होता। अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए वो जो जिस धर्म में वोट बैंक ज़्यादा होगा उस धर्म के लोगों को भ्रमित करेगा। कम वोट बैंक है जिस धर्म के लोगों का, उस पर वो हाथ नहीं डालेगा। ज़्यादा
जो जनसंख्या है जिस धर्म के लोगों की, उस पे हाथ डालेगा और उसको वो मिसगाइड करेगा, क्योंकि उसमें उसको फायदा है कि सत्ता में बने रहने का एक जरिया। और इस समय हमारे देश में सनातन धर्म के लोग यानी हिंदू सबसे ज़्यादा है। अगर उसमें से अगर 50 करोड़ हिंदू भ्रमित हो जाता है राजनेताओं के कहने पर, तो वो राजनेता सत्ता पर बना रहेगा और आपको भ्रमित करता रहेगा हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, और आप भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने सत्य को जान लिया वो कभी भी घाटे में नहीं रहता। तो इस हिंदू राष्ट्र का जो वो है, हिंदू राष्ट्र बनाना कैसे है हमको, क्योंकि हम हिंदू खुद ही बटे हुए हैं, ब्राह्मण शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय, और एक दूसरे को बहुत छोटा समझते हैं, वो हमसे छोटा वो हमसे छोटा वो हमसे छोटा वो हमसे छोटा, बगले बगले लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग हमारे यज्ञ को मानते हैं, हमारी ध्यान पद्धति को मानते हैं, हमारे सभी देवी देवताओं को मानते हैं। यही बहुत है, यही हिंदू राष्ट्र है। बस हमको एक रहना है, और एक रहेंगे, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझेंगे, बस यही हिंदू राष्ट्र है और कुछ नहीं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो बातें आपको समझ में आई हैं वो बताइए, जो नहीं आई हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।